संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात सूत्र के द्वितीय अध्याय की रिवीजन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। अब हम जीव विज्ञान के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। अब हम इन गूढ़ सिद्धांतों को रिवाइज करेंगे और द्वितीय अध्याय की दूसरी मध्य अवधि परीक्षा भी देंगे। 10 रिवीजन की इस श्रृंखला में आप 30 कक्षाओं के सार को ग्रहण कर सकते हैं। आप अपने मित्रों, परिवार में अन्य लोगों को भी इस वैज्ञानिक वाचना से जोड़कर पुण्य अर्जन कर सकते हैं। आगामी 31 जुलाई को इसकी ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आप जीत सकते हैं आकर्षक उपहार एवं सर्टिफिकेट्स। यदि आपने हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही कीजिए। इससे आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर पाएंगे और क्वालिफाइड शंकाएं पूज्य गुरुवर के समक्ष रखी जाएंगी। इस कोर्स की सभी जानकारियां जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं ttv.arham.yoga पर, या दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। तो चलिए आज की रिवीजन कक्षा में पूज्य श्री को सुनते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज में द्वितीय अध्याय का वर्णन चल रहा है, जिसमें योनि स्थान गर्भ का प्रकरण और जन्म का प्रकरण यह सब बताने के बाद अब जब जीव का जन्म होता है तो वह शरीर को धारण करता है। वह शरीर एक प्रकार का नहीं होता, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के जीव शरीर प्राप्त करता है। विभिन्न नाम कर्मों के उदय के कारण से जीव को अलग अलग तरह के शरीरों की भी प्राप्ति होती है, और उन सब शरीरों में कौन सा शरीर जीव के साथ हमेशा रहता है, कौन सा बदलता रहता है, यह सब ज्ञान हमें आगे सूत्रकार गृद्धपिच्छ आचार्य स्वयं दे रहे हैं। सूत्र पढ़ते हैं। औदारिक वैक्रिय काहारक तेजस कार्मणानि शरीराणि। यह सूत्र है जो हमें शरीरों के संख्या भी बता रहा है और शरीरों के नाम भी बता रहा है। औदारिक माने औदारिक शरीर, वैक्रियक दूसरे नंबर का शरीर, आहारक तीसरे नंबर का शरीर, चौथा तेजस शरीर और पांचवा कार्मण शरीर। ये पांच प्रकार के शरीर जिनागम में बताए गए। शरीर का मतलब होता है जो शीर्यते इति शरीर, जो शीर्यते यानी शीर्ण होता रहता है, जीर्ण होता रहता है, उसको वस्तुतः शरीर कहा जाता है। शरीर के कई नाम हैं, पर्यायवाची नाम, और अगर हम देखें तो उन पर्यायवाची नामों की अपनी समभ्रूढ़ नय की अपेक्षा से भी एक सार्थकता बन जाती है। तो यहाँ शरीर से तात्पर्य है जिसमें कर्म परमाणु या नौकर्म परमाणु आते भी रहते हों और जाते भी रहते हों, उपचय और अपचय दोनों प्रकार की क्रियाएं जिसमें होती रहती हों। नए शरीरगत परमाणुओं का बंद भी होता है और पुराने परमाणुओं की निर्जरा भी होती है। इस तरह से जो ये शरीर बनते हैं, उन शरीरों में सबसे पहले जो यहाँ बताया जा रहा है वो औदारिक शरीर बताया जा रहा है। औदारिक यह शब्द उदार शब्द से बनता है, जैसे आपके लिए औपशमिक, छायिक ऐसे शब्दों को बनाया था जो एकण प्रत्यय लगकर के शब्द संस्कृत के अनुसार बनते हैं। उनमें जो प्रारंभ का शब्द होता है वह कहीं पर दीर्घ भी होता है और कहीं पर वह अपनी उ आदि जो शब्द होते हैं वो औ आदि में भी परिवर्तित हो जाते हैं। ये संस्कृत के नियम के अनुसार
उदार शब्द से बनने वाला औदारिक कहलाता है। जैसे क्षय से बनने वाला क्षयक होता है, उपशम से औपशमिक होता है। उपशम में भी उ था, है ना, तो उ का क्या हो गया, औ, और अंत में इक लग जाता है तो औपशमिक बन गया। उसी तरह से उदार शब्द से बनता है औदारिक। तो ये इसलिए जानना जरूरी है कि ये शब्द जो मूल में किस शब्द से बना है और इस शब्द को बनाने की या इस शब्द के प्रचलन में आने की क्या इसके पीछे महत्ता है। तो उदार शब्द का मतलब तो आप जानते ही हैं, उदार माने होता है बड़ा हो, स्थूल हो, महान हो, उसको उदार कहा जाता है। भावों की अपेक्षा से देखें तो हम कहते हैं ये बहुत उदार भाव वाला है। उदार चरिता नाम ही वसुदैव कुटुंबकम, जो उदार चरित्र वाले होते हैं उनके लिए पूरी वसुधा ही कुटुंब होती है। तो ये उदार का भाव यानी सबको समाहित कर लेने का भाव है। और यहाँ पर यह शरीर है तो शरीर में तो कोई अपना चरित्र होता नहीं, तो शरीर का ही जो अपना गुणधर्म है वह यहाँ पर ग्रहण किया जा सकता है कि उदार का मतलब है बड़ा, स्थूल। अगर काया की अपेक्षा से देखें, स्थूलता की अपेक्षा से देखें, तो सभी शरीरों में औदारिक शरीर ही सबसे बड़ा होता है। स्थूलता इसी की पूरी बनती है। हजारों योजनों में फैला हुआ, है ना, महामत्स्य आदि के जो बड़े शरीर हैं जो कल बताया था, वो भी सब क्या हैं, औदारिक शरीर हैं। तो इतनी बड़ी काया, इतना उदार स्थूल शरीर बना और किसी गति में नहीं होता। और यह उदारता जिसका प्रयोजन है उस शरीर को कहते हैं औदारिक शरीर। एक तो ये हो गया स्थूल है। अब जब उदार है तो उदार का मतलब स्थूल भी हो गया, बड़ा भी हो गया, है ना, और जो बड़ा होता है तो महान भी होता है। जहाँ पर बड़ा भाव आ जाएगा तो महानता का भाव भी आ ही जाता है। तो ये शरीर भी महान ही है देखा जाए तो, पाँचों शरीरों में से ये औदारिक शरीर ही तो महान है। अगर पूछा जाए पांच शरीर में सबसे बड़ा काम करने वाला कौन सा शरीर है, औदारिक शरीर। चार प्रकार के पुरुषार्थों में जो सबसे दुर्लभ कठिन पुरुषार्थ है मोक्ष पुरुषार्थ, वो मोक्ष पुरुषार्थ किस शरीर से होता है, औदारिक शरीर से। गुणस्थानों की वृद्धि भी देखी जाए तो पांचों शरीर वालों में सबसे ज्यादा गुणस्थान की वृद्धि कहाँ मिलेगी, औदारिक शरीर में मिलेगी। औदारिक शरीर के साथ ही केवल ज्ञान आदि की भी प्राप्ति होती है। तो जो महान काम कर रहा है, बड़ा काम कर रहा है, वो तो ये औदारिक शरीर ही। अब आप कहो कि हम तो शरीर को, है ना, अशुचि भावना में और तरह तरह से हम शरीर को जो है हे दृष्टि से देखते हैं, तो आपको अनेकांत दृष्टि रखनी पड़ेगी। अशुचिता अलग चीज है, हेयता भी अलग चीज है, और उसके साथ में उस शरीर का वास्तविक ज्ञान रखते हुए ये भी जानना कि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर का ही काम है जो आप धर्म साधन कर सकते हो। तो आपकी साधना में काम आने वाला कौन है आपके लिए, उसी शरीर के लिए आप बुरा भला कहते रहते हो। तो बुरा भला इसलिए कहा जाता है कि उससे राग नहीं करना, उससे मोह नहीं करना, या उसी को अपना स्वरूप नहीं समझना, वही मैं नहीं हूं। इसलिए उस शरीर से विपरीत अपना जो आत्म तत्व है उसको बताने के लिए शरीर को शरीर के स्वभाव से परिचित कराया जाता है और आत्मा को आत्मा के स्वभाव के माध्यम से परिचित कराया जाता है। लेकिन अनेकांतिक दृष्टि से ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि औदारिक शरीर कहा जाता है इसको, यानी बड़ा काम तो यही कर सकेगा। बड़ा काम का मतलब अब केवल ज्ञान तो मान लो पंचम काल में नहीं होना, तो भी बड़ा काम कुछ तो हो सकेगा। जो भी इस पंचम काल में अधिक से अधिक बड़ा काम हो सकता है, संयम आदि के साथ में गुणस्थान के रूप में भी भावों की अभिवृद्धि जो बड़े से बड़े रूप में हो सकती है, वह सब भी इसी औदारिक शरीर से ही तो होती है। तो औदारिक शरीर ही आपके लिए सहायक है संयम धारण करने में। सम्यक दर्शन तो आप किसी भी शरीर से कहीं भी धारण कर लेना, लेकिन संयम के लिए सहायक तो सब शरीर नहीं है, आगे बताया जाएगा। संयम के लिए सहायक तो आपका औदारिक शरीर। तो उदारता का मतलब हो गया कि इसी से हम संयम जैसा बड़ा व्रत धारण कर सकते हैं, चारित्र धारण कर सकते हैं, और इसी के माध्यम से हम जो कर्मों की निर्जरा कभी नहीं कर सकते वो इस शरीर के माध्यम से कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो शरीर की महत्ता है कि नहीं, शरीर का काम भी है कि नहीं,
तो काम है तो काम ही लेना उससे, उसको जो है खिला पिला के डबल बेड पे एसी में मत डाले रखना है, नहीं तो वो बड़ा दुष्ट है। जितना ज़्यादा खा पी के एसी में पड़ा रहेगा ना, आप सोचोगे उतना सुरक्षित रहेगा, वो सुरक्षित नहीं रहेगा, उतने ही ज़्यादा उसमें कीड़े पड़ेंगे। कीड़े पड़ना समझते हैं? मतलब जो जितना काम चोर होएगा वो उतना ही जल्दी रोगी भी होता है, वो उतना ही ज़्यादा आपको दुख देने वाला भी होगा आगे। तो इससे काम लेते रहो, काम करते रहो तो ये फिट रहता है। और आप सोचो कि बस पसीना भी ना आए, कुछ करना ही ना पड़े, बिल्कुल सुख ही सुख मिले, तो ऐसी अगर कल्पना करोगे तो द्वारे पर आपके वायरस वो कोरोना दस्तक दे रहा है। ऐसे लोगों को कोरोना पहले पकड़ता है जो कुछ काम के नहीं होते, बोले क्या कर रहे हैं सब, चलो इनको ही निपटाओ पहले। तो जो लोग मेहनत करेंगे, जो लोग पसीना निकालेंगे, जो लोग शरीर से काम लेंगे, शरीर को अच्छे ढंग से तपाएंगे, शरीर के माध्यम से साधना करेंगे, शरीर के माध्यम से जप तप ध्यान आदि करेंगे, उनके लिए शरीर बड़ा लाभकारी है। यह औदारिक शरीर की ही देन है, इसलिए आचार्य महोदय ने बड़े ही सोच समझ करके सब शरीरों में औदारिक शरीर को पहले लिखा है। चाहते तो कार्मण शरीर पहले लिखना चाहिए था, कार्मण शरीर पहले लिखते, क्योंकि यही कर्म के कारण से तो सब शरीर बन रहे हैं। मूल तो कार्मण शरीर है, बीज भूत तो कार्मण शरीर है, कर्म के कारण से ही सब शरीरों की उत्पत्ति हो रही है। तो पहले जिससे सब चीजें बन रही हैं, पहले उसका उल्लेख करना चाहिए था, कार्मण शरीर का। जैसे कि सात तत्वों का वर्णन करने में सबसे पहले जीव तत्व का वर्णन किया, क्योंकि जीव नहीं होगा तो कर्म नहीं होंगे, अजीव नहीं होगा कर्म नहीं होंगे तो आश्रव नहीं होगा, आश्रव नहीं होंगे तो बद्ध नहीं होगा, तो सबका आधार क्या हो गया, जीव हो गया। ऐसे ही देखा जाए तो पांचों शरीरों का में से सब शरीरों का आधार क्या है, कार्मण शरीर। लिखना तो पहले कार्मण शरीर चाहिए था। तो कार्मण शरीर का वर्णन तो उन्होंने बिल्कुल लास्ट में किया है ना, और औदारिक शरीर का वर्णन पहले किया। तो यही इसका एक प्रयोजन है कि जो ज्यादा काम का होता है वह हमारे लिए आदरणीय होता है, उसको पहले नाम दिया जाता है, ठीक है ना। कार्मण शरीर को तो नष्ट करना है, लेकिन औदारिक शरीर को तो नष्ट नहीं करना। औदारिक शरीर को नष्ट करने के लिए नहीं कहा गया, कार्मण शरीर को नष्ट करने के लिए कहा गया है। कर्म का क्षय करो, कर्म का नाश करो, माने कार्मण शरीर का नाश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल आप ये सोच लो कि बस औदारिक शरीर का नाश हो गया तो कर्म का नाश हो गया, ऐसे नहीं होता। ऐसे तो बहुत सारे लोग औदारिक शरीर का नाश करते रहते हैं। औदारिक शरीर के नाश से कर्म का नाश नहीं होता। हाँ, इतना जरूर है कि औदारिक शरीर के माध्यम से हम कर्म का नाश कर सकते हैं, माध्यम यह बन जाता है कर्म के नाश करने के लिए भी, क्योंकि कर्म का नाश अकेले से नहीं हो सकता, बिना औदारिक शरीर के कर्म के नाश नहीं संभव है। तो प्रयोजन तो मुख्य है कर्म का नाश करना, औदारिक शरीर का नाश करना प्रयोजन नहीं है। यद्यपि संयम के साथ में संलेखना आदि के समय पर उस औदारिक शरीर को भी छोड़ा जाता है, तो भी उस औदारिक शरीर का उस समय पर नाश नहीं किया जाता, वो तो छूटने वाला होता है तो छोड़ दिया जाता है। जैसे प्लेटफॉर्म पर गाड़ी रुकने वाली होती है तो हम थोड़ा सा 2 मिनट पहले ही खड़े हो जाते हैं गाड़ी में, भाई गाड़ी तो अब रुकने वाली है। अब ऐसा तो नहीं कि जब गाड़ी रुक जाए फिर तुम्हें कोई धक्का दे, भाई निकल निकल, आ गया ट्रेन स्टेशन आ गया अब तब तुम उठो। तो उसकी अपेक्षा से तो ये ठीक है कि अगर स्टेशन आने वाला है तो 2 मिनट पहले से ही अपन तैयार हो जाए, गेट पे खड़े हो जाए और जल्दी से उतर जाए, ऐसे होता ना। बस उतनी सी बात है, संलेखना में भी इसी तरीके से किया जाता है। तो कहीं पर भी आपको औदारिक शरीर को नष्ट नहीं करना है, इसके माध्यम से कार्मण शरीर को नष्ट करना, ये पहले ध्यान में रखना। तो औदारिक शरीर तो आपके लिए क्या है, एक साधन है ना। सब तरह के बड़े बड़े काम कराने वाला अच्छी विशुद्धि किससे मिलेगी, तो औदारिक शरीर से मिलेगी। संयम का पालन किससे होगा, औदारिक शरीर से होगा। कर्म की निर्जरा किससे होगी, औदारिक शरीर से होगी। कम से कम पंचम काल में इतना तो होगा, चौथा काल होगा तो केवल ज्ञान भी किससे होएगा, वो भी औदारिक शरीर से ही होता। तो ये औदारिक शरीर अपने आप में बड़ा महत्व का है, और ये उदार शब्द से बना है, ये भी हमें ध्यान में रखना कि ये महान कार्य करने के लिए यही सक्षम है।
इसलिए यह औदारिक शरीर की उत्पत्ति उदार शब्द से हुई है जो सार्थक है। दूसरे नंबर का शरीर है वैक्रियक शरीर, इसमें भी एकन प्रत्यय लगा हुआ है, विक्रिय शब्द से वैक्रियक बनेगा, है ना, ई की मात्रा ई का आई हो जाता है, ऊ का औ हो जाता है, है ना, ये व्याकरण के नियमों के अनुसार और पीछे के शब्द में एक जुड़ जाता है तो वो विक्रिय शब्द से क्या हो जाएगा, वैक्रियक। तो ये विक्रिया करना जिसका स्वभाव हो उसे कहेंगे वैक्रियक शरीर। विशेष क्रियाएं, अब विशेष क्रियाएं क्या होती हैं, जो आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं, अड़िमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, है ना, प्राकाम्य प्राप्ति, सत्व वशित्व, ये जो आठ रिद्धियां हैं, आठ शक्तियां हैं, इन आठ शक्तियों को प्राप्त करने की जिसमें एक क्षमता आ गई और जो अपने शरीर को पृथक या अपृथक रूप से विक्रिया कर सकता है उस शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। ये विक्रिया दो तरीके की होती है, एक पृथक विक्रिया और एक अपृथक विक्रिया। पृथक का मतलब ये होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, अगर उसके पास में वैक्रिया शक्ति है तो वो अपने शरीर को तो बनाए रखेगा, उससे पृथक दूसरा शरीर बना करके शेर बन जाएगा, गाय बन जाएगा, हिरण बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा, तो वो उसका अपना शरीर अलग है और उससे उसने दूसरा शरीर अलग बना लिया, वो क्या कहलाएगा, पृथक विक्रिया। आत्मा तो दोनों में ही होगी, नहीं तो वो शेर जिंदा कैसे कहलाएगा, वो फिर एक के कई भी शरीर बनते हैं, है ना, तो एक चक्रवर्ती भी कई शरीर बना लेता है, तो ये सब क्या हो गया, ये सब पृथक विक्रिया कहलाती है। तो उसमें सब में आत्मा नहीं होगी तो शरीर क्या करेगा, है ना, तो ये सभी में आत्मा के प्रदेश फैलने की क्षमता होती है, सभी में फैल जाते हैं, सभी में अलग अलग शरीर बन करके अलग अलग कार्यों में भी लग जाते हैं। देवों में विक्रिया होती है तो वो एक शरीर के साथ अनेक विक्रियाएं करके और अनेक कार्यों को एक साथ भी करते रहते हैं। मान लो एक साथ कहीं पर तीर्थंकरों के एक साथ, मान लो 170 तीर्थंकर एक साथ हुए, मान लो होते हैं ना 170 कर्म भूमियां हैं और 170 तीर्थंकर एक साथ भी हो सकते हैं, जैसे अजितनाथ भगवान के समय में हुए हैं 170 कर्म भूमियों में सभी तीर्थंकर एक साथ। अब क्या होगा, तो सौधर्म इंद्र को प्रेजेंट रहना पड़ेगा, कहां पर, हर समोसरण में, हर तीर्थंकरों के पास में। अब सौधर्म इंद्र तो एक ही है, समझ आ रहा है, उसकी जिम्मेदारी है, अगर एक साथ भी कई तीर्थंकरों के ज्ञान कल्याणक होंगे तो वो सब में शामिल होएगा कि नहीं होएगा, तो क्या करेगा, वो अपने विक्रियक शरीर से अलग अलग तरह की विक्रियाएं अलग अलग जगहों पर जाकर के बनाएगा और सब भगवान के सामने बैठेगा और सबकी आराधना करेगा, सबकी स्तुति करेगा, बिल्कुल एक जैसा, कभी ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई अलग है वो कोई अलग है। मैन सौधर्म तो अपनी बेड पे ही रहता है, वो कहीं उठता नहीं है, हाँ वो अपने बेड पे ही रहता है, बेड माने जो उसकी उत्पाद सही है उसी को बेड बोलते हैं, हाँ वो उसी पे लेटा रहता है, वो उसी पे बैठा रहता है। और जो कोई भी सौधर्म काम कर रहे होते हैं वे सब जो है वैक्रिय शरीर से काम कर रहे होते हैं, ये तो उनका सिद्धांत है, ये बड़े आदमी ऐसे ही होते हैं, वो तो अपनी एक जगह रहेंगे, बस अपना फोन चलाते रहेंगे, काम करते रहेंगे, है ना। लेकिन खतरा यहाँ के बड़े आदमियों से ये है कि उनका शरीर तो बेंड हो जाएगा बेड पे पड़ा पड़ा, लेकिन उनका शरीर कभी बेंड नहीं होएगा क्योंकि वो वैक्रियक शरीर है। तो वैक्रियक शरीर से वह कई तरह की विक्रियाएं एक साथ भी कर सकता है और एक साथ कई काम भी कर सकता है, अपनी तमाम देवांगनाएं हैं उनके साथ भी रह सकता है, घूम सकता है, सब कर सकता है। और इधर भगवान के समोसरण में भी कितने ही तीर्थंकरों के कल्याणक हो जाएं, सामान्य केवली आ जाएं, सबकी पूजा भी कर लेगा। लोगों को बड़ी हैरानी होती है सुन करके, तो कई लोग पूछते हैं कि फिर उसका कर्मबंध कैसे होगा, उसका उपयोग कहाँ लगा रहता है, वो किस तरह के कर्मों का आश्रम उसके लिए होगा, एक साथ धर्म भी कर रहा है और एक साथ कर्म भी कर रहा है, ये भी एक प्रश्न है तो है। लोग पूछते हैं ना कि जिस समय पर वह भगवान की पूजा भी कर रहा है किसी दूसरे शरीर से, वो अपने लिए कहीं और घूमने भी गया है, तो अब कर्म कौन सा बंद होएगा उसके लिए, धर्म का कि कर्म का। तो उसका एक ही एक समाधान मिलता है कि आत्मा का उपयोग बहुत जल्दी जल्दी डाइवर्ट होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं, देखते हैं, सुनते भी हैं, समझ आ रहा, लेकिन उपयोग जो होता है वह बहुत जल्दी जल्दी, अंतर मुहूर्त तो कहने के लिए है, वो सेकंडों के भी,
हजारवें हिस्से में वो एकदम से बदलता रहता है, और जिस समय पर उपयोग जिस तरीके का होगा उस समय पर उसके लिए उसी तरह का कर्म बंद हो जाएगा। उपयोग एक जैसा लगता है, जैसे हम बोलते जा रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है, इनका उपयोग केवल बोलने में लगा है, बोलने में नहीं लगा। मैं देख भी रहा हूं, सुन भी रहा हूं, कोई बीच में कुछ बोल देता है वो भी देख लेता हूं, कोई बीच में कुछ आपस में एक्शन करता है तो वो भी पकड़ लेता हूं, और फिर भी बोलता रहता हूं। तो उपयोग जो है एक ही जगह नहीं रहता, उपयोग इतनी जल्दी जल्दी डाइवर्ट होता है कि उसके अनुसार ही जो है ये पता पड़ता है कि जैसा उपयोग होगा उस समय पर वह एक ही उपयोग होगा। आप समझते हो कि मैं पूजा कर रहा हूं तो बहुत देर तक पूजा ही करता रहता हूं, हमारा उपयोग पूजा में लगा एक घंटे तक तो किसी का उपयोग पूजा में नहीं लग सकता। अगर आपका एक घंटे तक पूजा में उपयोग लग गया तो फिर एक घंटे तक आपका ध्यान में भी उपयोग लग जाएगा, और पूजा ही ध्यान बन जाएगी अगर आपका एक घंटे पूजा में उपयोग लग गया तो। उपयोग लग ही नहीं सकता, वो तो उपयोग कभी मतिक ज्ञान है, कभी श्रुत ज्ञान है, ये तो ज्ञान उपयोग हो गया, और फिर दर्शन उपयोग भी बदलता रहता है, समझ आ रहा है। और उसके बीच में भी ये योग होते हैं वो अलग बदलते रहते हैं, मनोयोग, वचन योग, काय योग, तो इनमें से जो एक समय पर एक ही उपयोग होता है तो वह इतने कमती समय में होता है कि हम उसको पकड़ नहीं पाते। और कर्मबंध तो हर समय के लिए बताया गया, समय, अब समय समझ रहे हो ना क्या है, समय का मतलब तो आपकी बुद्धि से परे है। जैसे बताया था एक उदाहरण देकर कि कल 100 पन्नों में एक साथ स्टेपलर लगाओ और फिर देखो कि वो एक एक स्टेपलर उसके अंदर जाने में कितना टाइम लग गया, बस तो वो समय है। तो वो तो सेकेंडों का भी हजारवां हिस्सा है। अगर हम उस समय में एक समय में एक उपयोग रहता है तो कर्म बंध भी उसी उपयोग के अनुसार होगा, और वह उपयोग अगर एक से अधिक समय तक रह जाता है, संख्यात समय तक रह गया, अंतर्मूर्त हो गया, बस वो अंतर्मूर्त में एक आवली में कई असंख्यात समय हो जाते हैं, तो उनमें जो उपयोग की प्रवृत्ति हो जाती है उसी के अनुसार वह कर्म का बंध हो जाता है। तो ये सब चीजें एक बार अच्छे ढंग से तब समझ में आती हैं जब आप ये जान लें कि जैसा आप जान रहे हैं वो तो बहुत स्थूल जान रहे हैं, अंतरंग में उपयोग और योग की जो प्रवृत्ति है वो बहुत फास्टली होती है, वो हम पकड़ नहीं सकते हैं। कब हम बोल रहे हैं, कब हम हिल रहे हैं, कब हम देख रहे हैं, कब क्या सोच रहे हैं, ये अपने ही पकड़ में नहीं आता, और ये सब ऑटोमेटिकली जैसे चलता रहता है वैसे ही सब कुछ कर्म के बंध भी अपने उपयोग के अनुसार चलते रहते हैं। तो ये वैक्रियक शरीर का काम है, अनेक तरह की क्रियाएं करना, अनेक तरह की विक्रियाएं बना लेना। फिर आता है तीसरे नंबर का आहारक शरीर। आहारक शरीर का मतलब आगे बताया जाएगा, लेकिन यह वह शरीर है जो केवल मुनि महाराज के लिए ही प्राप्त होता है, और ये एक एक्स्ट्रा शरीर होता है जिसके माध्यम से मुनि महाराज अपनी कोई बहुत तत्व के प्रति कोई जिज्ञासा होती है और जिसका समाधान करने वाला कोई नहीं मिलता तो उसको दूर करने के लिए वह शरीर केवली भगवान के पास तक पहुंचता है। फिर अंत में चौथा शरीर और होता है तेजस शरीर। तेज माने जो आपके अंदर क्या है, ग्लो है या इल्यूमिनेशन है, वो सब जो है तेज कहलाता है। माने भीतर जो अपने अंदर लाइट है या अग्नि है तो उसको तेजस शरीर कहा जाता है। जो शरीर में कांति है ओरिजिनल वो भी तेजस शरीर से ही होती है। तो इस तरह से ये तेजस शरीर का हमें काम दिखाई देता है। और कार्मण शरीर तो सभी कर्मों के लिए आधारभूत है, या कर्मों के समूह का ही नाम कार्मण शरीर है। ये कार्मण शरीर बीज रूप में सब शरीरों के लिए काम करता है। ये बीज है, ये बीज है तो ये वृक्ष बाहर दिखाई दे रहा है। ये जो इतना बड़ा औदारिक शरीर है ये किस बीज का है, कर्म बीज का ये वृक्ष बना हुआ है, समझ आ रहा है। उस वृक्ष की ये शाखाएं हैं, ये हाथ, ये पैर, ये सब उस वृक्ष की शाखाएं हैं। तो ये वृक्ष का एक रूप लिया हुआ है, लेकिन इसका बीज माने मूल कारण क्या है, कार्मण शरीर। तो इस कार्मण शरीर को भी हम जो है या तो शास्त्रों से जानेंगे या फिर हम अपने ज्ञान से भी अनुमान लगाएंगे तो हमें इस कार्मण शरीर का ज्ञान प्राप्त होएगा। शास्त्रों में तो लिखा ही है, अब अनुमान से भी हम देखें तो कोई भी चीज बिना कारण के तो होती नहीं। अगर शरीर बन रहा है, अपने आप कोई भी फॉर्मेशन हो रही है, तो उसके पीछे कोई ना कोई अंतरंग में कोई अदृश्य कारण तो छिपा हुआ है। तो वही अदृश्य कारण ये कार्मण शरीर होता है। लोग जब इस अदृश्य कारण को नहीं जान पाते हैं तो वो तरह तरह की ईश्वरीय शक्तियां और ब्रह्मांड की शक्तियां
और इस तरह से परमात्मा का काम, ब्रह्मा का काम, इस तरीके से अलग अलग तरीके से उसको व्याख्यात कर लेते हैं। लेकिन वस्तुतः ये सब अपने ही कर्म समूह का काम है, जो बहुत सूक्ष्म है ना पार्टिकल्स होते हैं पुद्गल के ही, और वह आत्मा में ही आत्मा के राग द्वेष परिणामों से बंध को प्राप्त होते रहते हैं। वो जिसका जितना अच्छा होता है उसके लिए उतनी अच्छे तरी वाले कर्म भी बन जाते हैं, और जिसका जितना ढीला होता है उसके लिए ढीले ढाले से कर्म बन जाते हैं। तो कर्म को बांध करके उन कर्मों का जो फल देखने में आता है, इसी से अनुमान लगता है कि अंतरंग में एक कार्मण शरीर रूप बीज भूत शरीर है। अब कोई कहे कि भाई फिर कर्मण शरीर का भी कोई और कारण होना चाहिए, तो कार्मण शरीर के कारण उस आत्मा के अपने भाव है, जो मिथ्यात्व आदि प्रत्यय है वो भाव है, उनके कारण से वो कर्म का बंध होता है और उन कर्म के बंधों से फिर वही भाव उत्पन्न होता है, ये अनादि व्यवस्था चली आ रही है। तो इस तरीके से ये पांच शरीर हैं जिनका यह सामान्य से परिचय दिया गया। आगे पढ़ते हैं इन शरीरों में क्या और विशेषता होती है। परम परम सूक्ष्मम, ये शरीर परम परम माने आगे आगे के ये शरीर हैं, ये सभी सूक्ष्म सूक्ष्म होते गए हैं, यानी औदारिक शरीर से वैक्रियक शरीर सूक्ष्म होता है, वैक्रियक शरीर से आहारक शरीर सूक्ष्म होता है, आहारक शरीर से तेजस शरीर सूक्ष्म होता है, और तेजस शरीर से कार्मण शरीर सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म का मतलब यहाँ पर क्या समझना, एक तो स्थूलता में भी कमी आना, और दूसरा वह इतना सूक्ष्म परमाणुओं से बना होना कि वो हमारे लिए दृष्टिगोचर ना होना, ये भी सूक्ष्मता में ही आता है। अब ये आहारक शरीर अगर सूक्ष्म है तो आहारक शरीर से बड़ा तो हो गया वैक्रियक शरीर। अब अगर आहारक शरीर दिखता है तो वैक्रियक शरीर भी दिखता होगा और दिखेगा, लेकिन यह उन विक्रिया करने वालों के ऊपर है कि वो अपना शरीर आपको दिखाएं या ना दिखाएं। कई बार कोई भी देवता इत्यादि होते हैं, देवी देवता होते हैं, वो अपना प्रत्यक्ष शरीर अपना नहीं दिखाते हैं, और अगर वो यहाँ पर घूम भी रहे होंगे तो वो आपको देखने में भी नहीं आएंगे, ये उनके शरीर की सूक्ष्मता है। अगर हम यहाँ नहीं देख पाते तो हम ये भी देखें कि जब बड़े बड़े तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं तो उनमें तो वो सब दिखाई देते हैं, मनुष्य के साथ सब व्यवहार भी करते हैं, मनुष्य के सामने भी आते हैं, वो सूक्ष्म है तो औदारिक शरीर की अपेक्षा से सूक्ष्म है, लेकिन दिखाई तो वह अपनी आंखों से भी दे सकता है। यह उस शरीर की उस व्यक्ति के या उस व्यक्तिगत शरीर वाले उस अपने उस आत्मा के ऊपर निर्भर करेगा कि वो उसको दिखाना चाहता है या नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से इन शरीरों में आगे आगे सूक्ष्मता बढ़ती चली जाती है, और अंत में जो सबसे ज्यादा सूक्ष्म है वो है कार्मण शरीर, ये नहीं दिखेगा। तेजस शरीर भी दिखेगा नहीं, उसका कार्य दिखेगा, बस कार्य से ही अनुमान लगाना, कार्य लिंगम ही कारणम, कार्य को जानकर के ही यह अनुमान लगाया जाता है कि इसका यह कारण है। शरीर में जो अनेक तरह का अग्नि होती है, अनेक तरह का तेज संबंधी काम होता है, वो सारा का सारा तेजस शरीर के द्वारा निष्पादित होता है, जो आगे बताया जाएगा। तो इस तरह से यह तेजस शरीर भी सूक्ष्म है, लेकिन ये इसका कार्य दिखाई देता है, कार्मण शरीर तो इतना सूक्ष्म है कि यह हमको दिखाई नहीं दे सकता। ये इन शरीरों की सूक्ष्मता को जान करके आगे का सूत्र पढ़ते हैं। प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसात, आचार्य कहते हैं कि प्रदेश की अपेक्षा से, प्रदेश तो माने जो एक शरीर में प्रदेश होते हैं, परमाणु होते हैं, उनसे उनकी अपेक्षा से देखें तो असंख्ये गुणम, ये सब असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा इनके परमाणु हैं, लेकिन कब तक, प्राक तेजसात, तेजस शरीर से पहले पहले तक, तेजस शरीर से पहले का मतलब आहारक शरीर तक, है ना। तो औदारिक से शुरू करो, औदारिक शरीर में जितने परमाणु होंगे उससे भी असंख्यात गुणे परमाणु वैक्रियक शरीर में होंगे। वैक्रियक शरीर जितने परमाणुओं से बनता है, असंख्यात गुणे परमाणु आहारक शरीर में होंगे। अब आप ये देखो, औदारिक शरीर कितना ही बड़ा हो, 1000 योजन की अवगाहना वाला भी औदारिक शरीर ले लो, और इधर सबसे छोटा देव जो होता है सर्वार सिद्धि का, एक हाथ का देव होता है, उसको ले लो, बस एक हाथ का देव, और वो 1000 योजन की अवगाहना वाला वह शरीर जो महामत्स्य का शरीर होता है, उसमें जितने प्रदेश होंगे उससे भी असंख्यात गुणे प्रदेश उस एक हाथ के सर्वार सिद्धि के देव में होंगे। फिर तो मोटा हो जाना चाहिए था, उसमें परमाणु ज्यादा हो गए, तो ऐसा नहीं है, परमाणुओं से मोटा नहीं हुआ जाता,
परमाणु ज्यादा होने पर भी वो ठोस हो सकता है, जैसे कि ये रुई का गोला होता है। अब रुई है, बहुत सारी रुई इकट्ठी कर ली आपने, रुई का गोला, और बहुत सारा आपने उसको इकट्ठा करके देखा और इतनी सारी रुई है, तो वो स्थूल तो हो गया, बड़ा तो हो गया, लेकिन उसमें जितने परमाणु हैं, एक छोटी सी लोहे की इतनी बराबर भी अगर गोली होगी, लोहे का इतना बराबर भी अगर गोल कुछ भी चीज होगी, तो उसमें उससे भी असंख्यात गुणे परमाणु होंगे, क्योंकि वो ठोस है। तो परमाणु अधिक हो जाने का मतलब ये नहीं समझना कि वो शरीर जो है और ज्यादा बड़ा होगा, ठोसता आ जाती है। लड्डू होते हैं, एक रजगिरे का लड्डू होता है, तो वो रजगिरे के लड्डू, चौलाई के लड्डू है, और वो तो खूब बड़ा दिख जाता है और खूब बड़ा हो जाता है, और देखने में जो है बड़ा हल्का सा होता है, है? लेकिन अब एक ले लो, चलो बेसन का, उसमें जो परमाणु होंगे वो अपने आप में ठोस होएगा, है ना, उसका वजन उससे ज्यादा होएगा लेकिन देखने में छोटा लगेगा। तो ऐसे ही ये औदारिक शरीर से व्यक्रियक आदि शरीरों में असंख्यात गुणे परमाणु है। आचरणीय संख्या बताइए, पल्ल के असंख्यातवे भाग औदारिक से व्यक्रियक में, व्यक्रियक से आहारक में, इतने असंख्यात गुणे, असंख्यात गुणे उसका गुणकार दिया है, कितने से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो इतने गुणे उसके अंदर ये परमाणु माने आहारक शरीर में और ज्यादा ठोसता है। लेकिन शरीर एक हाथ का ही होता है, आहारक शरीर, व्यक्रियक शरीर बड़ा भी हो सकता है। अब मान लो व्यक्रियक शरीर से तुलना करनी हो तो पांच धनुष का व्यक्रियक शरीर होता है नारकी का, है ना, उससे एक हाथ का जो आहारक शरीर होगा, जो मुनि महाराज के मस्तक से निकलता है वो, उसकी अगर तुलना करोगे तो उस पांच धनुष के नारकी में जितने परमाणु होंगे उससे भी असंख्यात गुणे परमाणु एक आहारक शरीर में होंगे, जो मुनि महाराज के शरीर से निकल। इस तरह से ये शरीरों में असंख्यात गुणा अधिकपना कहां तक है, तेज आहारक शरीर तक है, तेजस से पहले पहले। फिर तेजस और कारवण में क्या होता है, तो उसके लिए आचार्य आगे का सूत्र देते हैं, अनंत गुणे परे। ये होता है कि आहारक शरीर से अब तेजस शरीर में अनंत गुणे परमाणु होंगे, और तेजस से भी कार्बन शरीर में जो परमाणु होंगे वो उससे भी अनंत गुणे होंगे। अब यहां पर जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है वो असंख्या संख्या नहीं रही, वो क्या हो गई, अनंत से गुणित हो रही है, अब वो अनंत में चली गई चीज। मतलब तेजस शरीर के परमाणु अनंत गुणे हो गए और उसके भी परमाणु उससे भी अनंत गुणे हो गए। इस तरीके से इन शरीरों का हमें ज्ञान इन सूत्रों के माध्यम से हो जाता है, ठीक है ना। और तेजस से कार्बन शरीर अनंत गुणा जो होता है वो भी सिद्धों का अनंतवा भाग और अभव्यों से अनंत गुणे, इस तरीके का उसका गणित होता है, ये अनंत का वो गणित होता है। तो इतने अनंत गुणे परमाणुओं से वह आगे आगे का तेजस और कार्बन शरीर बन जाता है। मतलब कार्बन शरीर इतना ठोस हो गया, उसके परमाणु सूक्ष्म हैं और वह इतने अधिक संख्या में हैं कि वह हमारे लिए ना तो देखने में आ सकता, ना वह हमारे लिए किसी भी तरीके से अनुभव में आ सकता, अनुमान से जाना जा सकता है या आगम ज्ञान से जाना जा सकता। इस तरह से ये शरीरों का वर्णन आगे बढ़ाते हुए आचार्य कहते हैं अप्रतिघाते। ये जो अप्रतिघाते ये सूत्र है, ये किनके लिए है, अप्रतिघाते, ये भी देखा जाए तो यह द्विवचन की यह विभक्ति के साथ में बना हुआ शब्द है। अप्रतिघाते कौन कौन से दो शरीर अप्रतिघात हैं, तो आचार्य कहते हैं यह जो कार्मण शरीर है और तेजस शरीर है, जिसके लिए हम अभी पिछले सूत्र में चर्चा करके आए अनंत गुणे परे, वही दोनों शरीर अप्रतिघात हैं, माने इनका प्रतिघात नहीं होता है। प्रतिघात का मतलब क्या होता है, कोई भी मूर्तिमान द्रव्य है या कोई भी मैटर है वो दूसरे मैटर से घात को तो प्राप्त होता ही है। जैसे ये पुस्तक है, इस पुस्तक से हम इसको हिला सकते हैं, है ना, ये भी जो है इस पुस्तक को हिला सकता है, तो एक दूसरे से घात को प्राप्त होना, बाधा को प्राप्त होना। यहां से जैसे ये दीवाल लगी हुई है, अगर दीवाल है तो इस दीवाल के कारण से यहां पर आप यहां से जो है खुद निकल के नहीं जा सकते हो, तो ये प्रतिघात हो गया आपका, आपको अलग से दरवाजा बनाना पड़ता है, दीवाल तोड़ के आप खुद नहीं निकल सकते हो, तो दीवाल से आपका क्या हो गया, ये प्रतिघात हो गया, माने दीवाल आपके लिए व्यवधान पैदा कर रही है। आपके लिए कोई भी तरीके का कहीं पे आप गमन कर रहे हो कुछ भी, तो जो प्रतिघात है उसका मतलब है कि एक दूसरे से उसका कुछ भी व्यवधान होना। लेकिन ये कार्बन और तेजस शरीर ये कहीं पर भी प्रतिघात को प्राप्त नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि पूरे लोक में ये कहीं पर भी दोनों शरीर बिल्कुल
निर्विघ्न होकर के बिना बाधा के घूम सकते हैं, कोई भी इनके लिए रुकावट नहीं है। आप कहो कि हमने दीवार रुक लेगी, दीवार को भी भार करके निकल जाएंगे। दीवार तो बहुत छोटी चीज होती है, अगर कहीं वज्र का पर्वत भी हो, है ना, वज्र बहुत ठोस धातु होती है, हीरा, उसका भी अगर पर्वत हो तो उसको भी क्रॉस करके निकल जाएगा वो। और वो तेजस कार्मण शरीर बिना आत्मा के थोड़ी ना होगा, तो वह आत्मा तेजस कार्मण शरीर के साथ में पूरे लोक में कहीं पर भी बिना बाधा के गमन कर लेता है। किस कारण से? उसका ऐसा स्वभाव है। औदारिक शरीर के कारण से नहीं कर सकता, वो तो आपने जहां दरवाजा लगा दिया वहीं बंद हो जाएगा। फिर पांच शरीरों में केवल यही दो शरीर कैसे हैं पूरे लोक में जिनके लिए कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं मिलेंगे, जहां इनको जाना है वहां जाएंगे, कोई इनको रोक नहीं सकता। कितनी मोटी मोटी पृथ्वियां हो, अब देखो नारकी जीव है, नीचे सातवीं पृथ्वी से निकलेगा, अगर उसको यहां मध्य लोक में आना है तो कितनी पृथ्वियों को पार करके आता है, हर पृथ्वियां कितनी योजनों योजनों मोटी हैं, सभी छह पृथ्वियों को पार करके सेकंड समयों में जो है आकर के जन्म ले लेता है मनुष्य लोक में, कोई रोक नहीं सकता उस। इन सब पृथ्वियों को भेदने की क्षमता, पर्वतों को भेदने की क्षमता, सबसे व्याघात के बिना निकलने की क्षमता, ये तेजस और कार्मण शरीर के कारण से होती है आत्मा में। इसलिए आत्मा का जन्म कहीं पर भी हो सकता है, होता है, उसमें कोई भी बीच में व्याघात करने वाला नहीं होता, अप्रतिघात है वो। अन्य शरीर भी हैं, मान लो वैक्रियक हैं, आहारक हैं, ये भी घूमते हैं, ये भी बिना बाधा के घूमते हैं, लेकिन ये पूरे लोक में नहीं घूम सकते हैं। इनकी अपनी जितनी रेंज होती है उतनी रेंज में ये प्रतिघात से रहित होते हैं। आहारक शरीर की अपनी रेंज होती है, वैक्रियक शरीर वालों की भी अपनी विक्रिया करने की रेंज होती है, जितनी रेंज होगी उतने ही रेंज में ये व्याघात से रहित हैं। इस तरह से इन शरीरों का स्वभाव समझ करके हम अपने आप को और इन शरीर को भी अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। सृजिन वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोरी जन मन हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव झुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई सासद मोख पदम पावई।